नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज यहाँ पे हमने बनाया है क्रिस्पी ऑनियन चाट। देखते मुंह में पानी आ गया है दोस्तों। तो अभी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मी में ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हम, खाना जाता भी नहीं है, तो हल्का फुल्का मिल जाए तो बस। तो यहाँ पे हमने बिना पूरी के बनाई है दोस्तों, बहुत ही इजीली बन जाती है। बाहर का कुछ भी लाना नहीं, थोड़ा भी खर्चा इसमें हमने किया नहीं, घर की सामग्री से हमने इसे बनाया हुआ है। यहाँ पर हम लेंगे 1 कप जितना बेसन का आटा। हाँ दोस्तों, बेसन के आटे को पहले छान कर लेना है, मैंने पहले ही छान कर लिया है। अब यहाँ पे जाएगा 2 चम्मच बारीक वाली सूजी। सूजी डालने से जो पूरी होती है हमारी क्रिस्पी लगती है खाने में, तो यहाँ पे सूजी डालना है हमें। और यदि मोटी वाली सूजी होगी तो मिक्सर के जार में पाउडर के जैसे इसे पीस लेना है। 1/4 चम्मच जितना जीरा, 1/4 चम्मच जितने हल्दी, 1/4 चम्मच यानी आधा चम्मच से आधा चम्मच यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी मिर्ची पाउडर। इसका कलर अच्छा आता है इसलिए मैं मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब यहाँ पर जाएगा स्वादुसार नमक। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हमने अच्छी तरह से घोल बना लिया है, आप देख सकते हो हाथों से। ये घोल थोड़ा गाढ़ा रखना है, पतला वाला गोल नहीं रखना है, देख सकते हो इस तरीके से। यदि पतला करोगे तो भी जैसे चाहिए वैसे हमारी ये पूरी बनेगी नहीं परफेक्ट, तो मैं आपको बताना चाहूंगी एकदम थोड़ा हल्का सा गाढ़ा रखना है इस तरह। अब इसे मैं 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देते सेट होने के लिए, तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 प्याज लेने। हाँ दोस्तों, प्याज गोल साइज के लेने। ऐसे तो आपने बहुत सारी सेव पुड़ी खाई होगी, पर यहाँ पे हम लोग ऑनियन की यानी कि प्याज की सेव पुड़ी बना रहे, बहुत ही बढ़िया लगती है। आप देख सकते हो प्याज कभी भी लेना हो तो गोल लेना है। तो यहाँ पे हमने ये वाला पोर्शन, इसे थोड़ा मैं साइड कर ली तो इस प्याज को, ये वाला पोर्शन और ये वाला हमें पोर्शन कट कर लेना है और इसे बीच में से कट करना है। जो गांठ दिख रही इसे भी निकाल लेना है, थोड़ा हल्का और कट करेंगे यानी आसान तरीके से निकल जाए हमारा प्याज के जो लच्छे इस तरीके से। अब इसे भी निकाल लेना है छिलके को पहले, और संभाल के निकालना है दोस्तों ये। यदि ऐसा नहीं जमा तो एक बात बताओगे, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। इस तरीके से हमें ये लच्छे निकालने हैं। मैं छोटे साइज की पूड़ी बना रही हूँ प्याज की, आपको साइज बड़ा या छोटा चाहिए आप निकाल सकते हैं। अभी ये आपको लग रहा है ये क्या करें, आप इसे फेंकें ना, आप इसे सब्जी में कट कर सकते हो बारीक बारीक चॉप करके, देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा और साइड कर लेती हूँ और इसे भी बीच में से मैं कट कर लेती हूँ। इसे भी छिलके निकाल लेना है। आपको बड़ा प्याज होगा तो बड़ा लच्छा निकलेगा और छोटा प्याज होगा तो छोटा लच्छा निकलेगा, देख सकते हो। इस तरह सारे प्याज हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने सारे प्याज के लच्छे निकाले इस तरीके से, देख सकते हो कटोरी के शेप में ऐसे होने चाहिए प्याज। अभी करेंगे मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे एक बाउल ले लेते हैं, अभी आलू का पूरी का मसाला बना लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने लेना 1 आलू उबला हुआ, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो इसी के साथ लेंगे हम 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा धनिया, 1 बारीक मिर्च कटी हुई डाल देते हैं, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, चटपटा स्वाद आएगा इसलिए चाट मसाला यहाँ पे हमने डालना है। अब यहाँ पे जाएगा 1/2 चम्मच से थोड़ा कम कश्मीरी मिर्ची पाउडर, सिर्फ कलर के लिए यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रीन मिर्ची डाली है। हाँ तो यदि आप पूरी तीखा ज्यादा खाना पसंद करते हो तो आपके हिसाब से कम या ज्यादा मिर्ची डाल सकते हो। तो यहाँ पे डाल देते स्वादुसार नमक, थोड़ा सा नींबू डाल देते 1/2 चम्मच जितना। अब यहाँ पे जितनी सामग्री हमने डाली इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाँ दोस्तों, आप इसके वजह आपको जो सब्जी खाना पसंद हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, कॉर्न या जो भी गाजर वगैरह। यहाँ पे इतनी मैं सब्जी डाल रही हूँ क्योंकि मार्केट बाजार में हम मिलते हैं ना खाने के लिए, गाड़ी पे कैसे मिलते हैं वैसे ही। खाली इसमें फर्क मैंने ये किया कि प्याज का मैं बना रही हूँ, ऐसे तो पापड़ी की बनती है, मैदे की जो पापड़ी होती है पूरी उससे बनाई जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा एक नया तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। तो ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे सारी सामग्री को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी इसे थोड़ा साइड कर लेती हूँ और बैटर को चेक कर लेते हैं।
अब यहाँ पर हमारा जो बैटर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हाँ दोस्तों, इस बैटर में हमें खाने का सोडा वगैरह इनो वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी में घोलना है और इसमें नमक हल्दी यही डालना है बस। अभी आप देखिए इस तरीके से एकदम परफेक्ट हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है, मैं आपको लेके बता रही हूँ। और यहाँ पे हमने सूजी डाली है, तो आप सभी को मालूम है सूजी पानी पी लेती है, इससे बैटर हमारा हल्का सा गाढ़ा भी बन जाता है। तो सूजी से क्या होता है, क्रिस्पीपन अच्छा आता है और खाने में एक नंबर लगता है। अभी एक जगह हमने ऑयल भी गर्म करने को रख लिया है, अभी बताते हैं कैसे करना है ये। अभी यहाँ पर हम लेंगे प्याज, आप देख सकते हो इसे हम ऐसे डिप कर लेते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा है बैटर वो निकाल लेना है और इसे एकदम गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर लेना है। ऑयल अभी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अभी यहाँ पे एक एक पकौड़ा हमें इसे डालते जाना है, देख सकते एकदम हाथ उसे गर्मा गर्म ऑयल में ही फ्राई करना है, ठंडा ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमें प्याज के पकौड़े इसमें डालते जाएंगे। रेसिपी आपको हमारी ये कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है, और चैनल पे आप हमारे नए होंगे तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। एक यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसे डालते समय तुरंत टच करना नहीं, थोड़े टाइम के बाद इसे टच करना है। अब इसे हमें टच करेंगे, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा वाव। और यहाँ पे जो अभी खाने का सोडा आप डाल देते हैं तो ये फूल जाता, तो यहाँ पे सूजी डालने से फूला भी नहीं और कुछ भी नहीं, जैसे कि वैसे कटोरी के शेप में ये आ चुका है। इसे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अभी आपको लगे ये कैसे चिपका, क्योंकि यहाँ पे हमने खाने का सोडा नहीं डाला है, इसलिए सूजी डालिए, इसलिए इसका क्रिस्पीपन आया ये इस तरीके से। और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, क्योंकि थोड़ा भी यहाँ पे कच्चापन हमें चाहिए नहीं। और हाँ दोस्तों, अभी आप जब बना रही है आलू के पकौड़े, यानी इसे थोड़ा भी ये सॉफ्ट नहीं होगा, एकदम कुरकुरा बनाएगा खाने के लिए। अभी आप देखिए एकदम परफेक्ट हमारे फ्राई हो रहे, और इसे एक मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। अब इसका कलर कितना बढ़िया आ गया, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। वाव, आवाज देख लेना है, परफेक्ट। तो क्यों ना बाकी के सारे पकोड़े पहले इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई भी कर लिए और यहाँ पे मैंने थाली में सर्व भी कर लिया, आप देख सकते हो परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। क्रिस्पी कितना है मैं आपको लेके बता रही हूँ। अभी जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो ले लेते हैं, और इसके ऊपर हमें डालते जाना है इस तरीके से। मेरे घर में तो बहुत सभी को पसंद आता है दोस्तों, इजीली बन जाते। कभी कभार क्या होता है, चाट पूरी नहीं रहती हमारे घर में तो, और प्याज और बेसन का आटा घर पे पड़ा ही रहता है, और टमाटर और आलू भी सब रहता है, तो मज़ा भी आते है। अभी गर्मी भी है और जो गर्मी में ज़्यादा भूख लगती भी नहीं है, तो इस तरीके से थोड़ा चटपटा खाने को मज़ा आ जाती है, और ये इजीली बन भी जाता है झटकी पट, इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से हमें प्याज के ऊपर ये स्टफिंग भरना है। अब यहाँ पे हमने लेना है ग्रीन चटनी। हाँ दोस्तों, इसकी जो रेसिपी आपको देखने तो हमें कमेंट करें, वो भी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें पहले ग्रीन चटनी डालनी है थोड़ी थोड़ी करके, देखते मुँह में पानी आ गया ना, बहुत ही ईजिली बन जाता है और ज़्यादा कुछ समय लगता नहीं, वो कुछ नहीं झटकी पट। आपके घर में कोई मेहमान आ रहे और आपको इनको खिलाना हो कुछ, जिससे झटके हमारा तारीफ भी हो जाए यानी अपनी, और टेस्ट भी बन जाए खाने के लिए, है ना, और झट से बनाई भी जाए। तो ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी तो हमें बताना है, मेहमान भी खुश और हम भी खुश, और झट से बनाए जाते हो कम खर्चे में झटकी पट। अभी यहाँ पे हम लेंगे खट्टी मीठी चटनी, इसके ऊपर डाल देते हूँ। आपको कितना खट्टा मीठा चाहिए खाना पसंद, तो आपके हिसाब से ये खट्टी मीठी चटनी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। वाह, मैं तो अभी खाने ही वाली हूँ दोस्तों, आप कब घर पे बना रहे हो तो हमें बताना है, परफेक्ट। तो सारी हम यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी गोल की चटनी डाल देती हूँ। अभी इसके ऊपर जाएगा सेव भर भर के, है ना, एकदम बढ़िया से हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे बारीक वाली सेव डालनी है हमें, मोटी वाली नहीं डालनी है, जो हमारी जो सेव पूड़ी हम लोग खाते हैं ना, वो सेव कौन सी मिलती वही हमें इसमें डालना है। यकीन नहीं मानोगे आपने कि मैंने ये बनाई ये प्याज वाली सेव पूड़ी, वाव। अभी यहाँ पे डालिए हल्का सा धनिया स्प्रिंकल करके, बन गई ना हमारी ऑनियन प्याज की सेव पूड़ी, रिजल्ट आपके सामने। तो आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना है,
चैनल पे आप हमारे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। में पहले ग्रीन चटनी डालनी है थोड़ी थोड़ी करके, देखते मुंह में पानी आ गया ना, बहुत ही इजीली बन जाता है और ज्यादा कुछ समय लगता नहीं। वो कुछ नहीं, झटकी पट। आपके घर में कोई मेहमान आ रहे और आपको इनको खिलाना हो कुछ, जिससे झटके हमारा तारीफ भी हो जाए यानी अपनी, और टेस्ट भी बन जाए खाने के लिए, है ना, और झट से बनाई भी जाए। तो ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी तो हमें बताना है, मेहमान भी खुश और हम भी खुश, और झट से बनाए जाते हो कम खर्चे में झटकी पट। अभी यहाँ पे हम लेंगे खट्टी मीठी चटनी, इसके ऊपर डाल, कितना खट्टा मीठा चाहिए खाना पसंद तो आपके हिसाब से ये खट्टी मीठी चटनी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। वाह, मैं तो अभी खाने ही वाली हूँ दोस्तों, आप कब घर पे बना रहे हो तो हमें बताना है, परफेक्ट। तो सारी हम यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी गोल की चटनी डाल देती हूँ। अभी इसके ऊपर जाएगा सेव भर भर के, एकदम बढ़िया सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे बारीक वाली सेव डालनी है हमें, मोटी वाली नहीं डालनी है, जो हमारी जो सेव पूड़ी हम लोग खाते हैं ना, वो सेव कौन सी मिलती है वही हमें इसमें डालना है। यकीन नहीं मानोगे आपने कि मैंने ये बनाई, ये प्याज वाली सेव पूड़ी, वाह। अभी यहाँ पे डालिए हल्का सा धनिया स्प्रिंकल करके, बन गई ना हमारी ऑनियन प्याज की सेव पूड़ी, रिजल्ट आपके सामने। तो आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना है, चैनल पे आप हमारे नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले।